स्टूडेंट अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग जो पार्ट था वो है कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ठीक है बायोडाइवर्सिटी हमारा प्रीवियस क्लास में हो गया था तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वामेंटल डिग्रेडेशन इसलिए इन्वायरमेंट डिग्रेडेड होता है या इसलिए इन्वायरमेंट खराब होता है तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनमें से हम लोग पाँच छः पॉइंट को डिस्कस करेंगे फर्स्ट इज़ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हाई वन ऑफ डिग्रेडेशन तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हाई पॉपुलेशन जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का इट्स ग्रोथ एट अबाउट टू परसेंट एनुअली इज ए बर्डन ऑफ नैचुरल रिसोर्सेज तो क्या बोल रहा है कि ये जो एनवायरमेंटल uh, डिग्रेडेशन है यह इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एवरी ईयर टू परसेंट रेट में बढ़ रहा है इट्स ग्रोथ एट अबाउट टू परसेंट एनुअल एवरी ईयर हमारे देश में दो परसेंट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन है नेचुरलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा बर्डन बन रहा है हमारे देश का एन्वायरमेंट के लिए इंक्रीज पॉपुलेशन एज डिग्रेडेशन ऑफ द वेरी तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक साइड में इन्वायरमेंट डिग्रेडेड हो रहा है टू परसेंट रेट में और एक साइड में क्या हो रहा है सेवरी इंक्रीज हो रहा है एक्सीलरेटिंग रेट में इन जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है ठीक है विद एन एक्सीटिंग रेट में मतलब पहले जो रेट में बढ़ रहा है उससे ज़्यादा रेट में नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर करके बढ़ रहा है दैट मीन्स इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू सेवरी एंड एक्सेलेटिंग डिग्रेडेशन ऑफ एवरी रिसोर्स तो पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है उस उसके साथ साथ क्या हो रहा है एक बहुत बड़ा प्रेशर इन्वायरमेंट के ऊपर आ रहा है जिसके कारण रिसोर्स जो डेपलिट हो रहा है डिग्रेडेड देग्रे, हो रहा है वो एक्सेलेटिंग रेट में हो रहा है और हमारा जो पॉपुलेशंस है ठीक है जो ह्यूमन बींग है वो डिपेंड करता है इस इन्वायरमेंट के ऊपर इस रिसोर्स के ऊपर सो इट इज़ इट इज़ ईटिंग इनटू नेचुरल रिसोर्सिस मोर देन डिजायरेबल तो हम लोग जितना हम लोग बना रहे हैं ने, नेचर को उससे ज़्यादा हम लोग उसको नष्ट कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं एंड पुटिंग इंटू सिस्टम मोर वेस्ट देन दे कैन एब्जॉर्ब तो इन्वायरमेंट में जितना वेस्ट हम लोग छोड़ रहे हैं जितना इन्वायरमेंट कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने का वेस्टेज प्रोडक्ट उससे ज़्यादा हम लोग उसमें पुट कर रहे हैं उसमें दे रहे हैं तो फर्स्ट कारण की हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हाई ग्रोथ से क्या हो रहा है कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा एन्वायरमेंट ले नहीं पा रहा है जिस रेट में पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस रेट में अगर बढ़ता जाएगा तो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खराब होता जाएगा डे बाई डे और हमारे सर्वाइवल के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पॉल्यू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन तो ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या है इंडिया एंड अनप्लान एंड अनकट्रोल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज आर क्रिएटिंग ह्यूज एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन रेगुलरली तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है इंडस्ट्री का जो ग्रोथ हो रहा है ठीक है ये अनप्लैंड है एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है अनप्लैंड एंड अनकट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री जो हमारे देश में बढ़ रहा है इंडस्ट्री जो भी सेटअप हुआ है या जहाँ जहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप किया जा रहा है वो अनप्लान्ड है एंड इसका ग्रोथ भी अनकंट्रोल्ड है इसके इसलिए क्या हो रहा है इसके इसलिए एटमोस्पेरिक पॉल्यूशन जो है पॉल्यूशन रेगुलरली ये ह्यूज अमाउंट में बढ़ रहा है इससे क्या हो रहा है एक ह्यूज इन्वायरमेंटल इससे एक हीमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है ह्यूज ह्यूज हीमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है क्योंकि अनप्लान एंड अनकंट्रोल्ड ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हम लोग देख रहे हैं मोर ओवर इंडस्ट्रीज वेस्टेज ऑफ वेरियस फैक्ट्रीज आर कॉन्स्टेंटली बींग डिस्चार्ज इन रिवर्स तो इंडस्ट्री और एक प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्री से जो वेस्टेज प्रोडक्ट निकल रहा है वेरियस वेस्टेज प्रोड वेस्टेज प्रोडक्ट्स जो फैक्ट्री से इंडस्ट्री से निकल रहा है वो सब जगह डिस्चार्ज हो रहा है रिवर लेक्स एंड सीज में और इससे क्या हो रहा है जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो एक्वाटिक इकोसिस्टम uh, है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम नष्ट हो रहा है ठीक है ये एक ह्यूज हेल्थ क्रिएट कर रहा है हमारे होल पॉपुलेशन के ऊपर थर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग अर्बनाइजेश

एंड बहुत सारे बिगर टाउन्स भी हम लोग देख रहे हैं और वो फास्टर रेट में क्रिएट हो रहा है बहुत बड़ा बड़ा टाउन इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस हैव कम अंडर डिप्लीटिंग द प्रीवियस इन्वयरमेंटल रिसोर्स बेस बेस ऑफ सिटीज तो इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस तो हम लोग देख ही रहे हैं बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस सर्विस हमें अभी मिल रहा है रोड्स इलेक्ट्रिसिटीज एंड रेलवेज तो ऐसे बहुत सारे सेवरी इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज हमें मिल रहा है एंड इससे क्या हो रहा है बहुत सारा इन्वायरमेंटल रिसोर्स जो है जो नेचुरल इन्वायरमेंटल प्रिसियस इन्वायरमेंटल रिसोर्स है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है नष्ट हो रहा है द ओवर क्राउडिंग इन सिटीज़ द ओवर क्राउडिंग इन सिटीज मीनस ओवर क्राउड कौन कर रहा है सिटीज़ को पॉपुलेशन वहीकल्स ये सब हैज लीड टू इनक्रीज स्लाम्स एंड अनिजायरेबल लैंड यूज लैंड यूज चेंजेस तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओवर क्राउडिंग ओवर क्राउडिंग सिटीज मीनस एक जगह में बहुत सारे घर पार ये सब बन रहा है ठीक है पॉल्यूशन बन रहा है व्हीकल्स बन रहा है इससे क्या हो रहा है बहुत सारे स्लम्स हम लोग देख रहे हैं बड़ा सिटीज में हम लोग इस ये चीज़ देखते हैं कि स्लम्स ठीक है अंडे, ये सब हम लोग बड़ा सिटीज में या बड़ा टाउन्स में हम लोग देखते हैं बिसाइड्स कॉजिंग डिटीशन ऑफ एयर एंड वाटर क्वालिटी एंड जनरेशन ऑफ ह्यूज वेस्ट और ये पॉल्यूशन व्हीकल्स ये सब जितना ज्यादा हो आपका यूज़ होगा उससे ही क्रिएट क्रिएट किया होगा एयर पोल्यूशंस वाटर वाटर पोल्यूशंस एंड इससे बहुत सारे वेस्टेज प्रोडक्ट भी क्रिएट हो रहा है जिससे आपका इन सब चीज़ नष्ट हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा हेल्थ हज़ार मतलब हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम्स हो रहा है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और दो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का